ज़्यादातर लोग सदाशिवराव भाऊ को सिर्फ इसलिए जानते होंगे क्योंकि उन्होंने पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा सेना का नेतृत्व किया था और उन्हीं की वजह से मराठा वह लड़ाई हार गए थे। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पानीपत की हार का कारण सदाशिवराव भाऊ नहीं बल्कि पेशवा बालाजी बाजीराव की राजनीति थी जो पूरी तरह से फेल हो गई थी। खैर, वो बात हम किसी और वीडियो में करेंगे, पर आज के वीडियो में हम सदाशिवराव भाऊ के उस गौरवशाली इतिहास की बात करेंगे जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो बने रहिए वीडियो में हमारे साथ। सदाशिवराव भाऊ उन गिने चुने योद्धाओं में से थे जिन्होंने हैदराबाद के निज़ाम को हराया था, क्योंकि निज़ाम को हराना हर किसी के बस की बात नहीं थी। भाऊ वो योद्धा थे जो कम पैसे और कम सेना होने के बावजूद भी अब्दाली का सामना करने के लिए तैयार हो गए थे। इस महान योद्धा के जीवन की शुरुआत होती है साल 1730 में, जब सदाशिवराव भाऊ का जन्म होता है। उनका जन्म सतारा में पिता चिमाचीअप्पा और माता रखमाबाई के यहाँ हुआ था। सदाशिवराव भाऊ महान पेशवा बाजीराव के भतीजे थे। ये वही पेशवा बाजीराव हैं जिन्होंने अपने पूरे जीवन में कभी हार देखी नहीं थी, उन्हें कोई हरा नहीं पाया था। भाऊ का बचपन बहुत ही दुखों में बीता। जब वे सिर्फ एक महीने के हुए तब उनकी माता का स्वर्गवास हो गया और उसके 10 साल बाद उनके पिता चिमाचीअप्पा का भी स्वर्गवास हो गया। इसलिए उनका पालन पोषण उनकी दादी राधाबाई और उनकी चाची काशीबाई ने किया। भाऊ की शिक्षा दीक्षा भी सतारा में बाबा रामचंद्र शेनवी के यहाँ हुई थी। जब भाऊ सिर्फ 16 वर्ष के थे तब उन्हें अपने पहले सैन्य अभियान पर कर्नाटक भेजा गया, जहाँ पर उन्होंने अपनी तलवारबाजी की कुशलता से मराठों को जीत दिलवाई। इस अभियान में उन्होंने नवाब को बुरी तरह से हरा दिया और उसके कई शहरों को मराठा साम्राज्य के अंदर शामिल कर लिया। आगे जाकर भाऊ ने पेशवा के खिलाफ हो रहे विद्रोहों को भी दबाने में अहम भूमिका निभाई। बात 15 दिसंबर 1749 की है, जब छत्रपति शाहू महाराज का स्वर्गवास हो गया और उनकी मृत्यु के बाद पेशवा बालाजी बाजीराव ने पूरी ताकत अपने हाथ में ले ली। पेशवा बालाजी बाजीराव हैदराबाद के निज़ाम को पूरी तरह से ख़त्म कर देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने निज़ाम के खिलाफ कई सैन्य अभियान चलाए। एक सैन्य अभियान में उन्होंने अपने बेटे विश्वास राव, अपने भाई रघुनाथ राव को उदगीर भेजा और इस अभियान का नेतृत्व कर रहे थे सदाशिवराव भाऊ। उदगीर की लड़ाई में सदाशिवराव भाऊ ने निज़ाम को पूरी तरह से हरा दिया और निज़ाम को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, और इस लड़ाई के बाद निज़ाम को मराठों की सारी शर्तें माननी पड़ी। इस लड़ाई के बाद पेशवा बालाजी बाजीराव हिंदुस्तान के सबसे ताकतवर व्यक्ति बन चुके थे और मराठा साम्राज्य अपने चरम तक पहुँच चुका था। इसी बीच खबर आती है कि अफगानिस्तान के बादशाह अहमद शाह अब्दाली ने एक बार फिर से भारत पर हमला कर दिया है और उसने पंजाब को जीतकर दत्ताजी शिंदे की क्रूरता से हत्या कर दी है। यह खबर सुनते ही पेशवा बालाजी बाजीराव का खून खौल उठा और उन्होंने रघुनाथ राव भाऊ को अब्दाली का सामना करने का आदेश दिया, पर कम सेना और कम धन होने के कारण रघुनाथ राव भाऊ ने युद्ध में जाने से मना कर दिया। तब सदाशिवराव भाऊ आगे आए और उन्होंने मुहिम पर जाने का फैसला किया। इसी के साथ 14 मार्च 1760 को मराठा सेना उत्तर भारत की तरफ निकल पड़ी। इस अभियान में पेशवा ने अपने बेटे विश्वासराव को भी भेजा था। भाऊ लगभग 45,000 की सेना के साथ उत्तर भारत की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन एक बहुत ही बड़ी दिक्कत हो गई थी। दरअसल हुआ ये कि जब इतनी बड़ी सेना उत्तर भारत जा रही थी तो लाखों लोग जो एक श्रद्धालु की तरह थे वो मराठा सेना के साथ जुड़ चुके थे। ये लोग उत्तर भारत सिर्फ दर्शन करने के लिए जा रहे थे। जैसे जैसे मराठा सेना उत्तर भारत की तरफ बढ़ रही थी वैसे वैसे दूसरे मराठा सरदार जैसे कि होलकर और सिंधिया भी अपनी अपनी सेना के साथ भाऊ के साथ आ रहे थे। भाऊ ने अनेकों राजाओं को पत्र लिखकर मदद मांगी और सहायता करने के लिए कहा, लेकिन उत्तर भारत के राजा मराठों को कुछ ज़्यादा पसंद नहीं किया करते थे और वो मराठों से काफ़ी नाराज थे। इसलिए राजपूत राजाओं ने तो मराठों का साथ देने से साफ साफ मना कर दिया। हालांकि भरतपुर के जाट राजा सूरजमल शुरुआत में मराठों का साथ दे रहे थे, लेकिन बाद में उनकी भी भाऊ से कुछ बहस हो गई और उन्होंने भी अपना समर्थन वापस ले लिया। आखिरकार 1 अगस्त 1760 को लगभग 60,000 की मराठा सेना ने दिल्ली को घेर लिया और एक ही दिन में अफगानों को हराकर दिल्ली पर कब्जा कर लिया। लेकिन इसी बीच एक बहुत ही बड़ी गड़बड़ हो चुकी थी। दरअसल हुआ ये कि अहमद शाह अब्दाली ने दूसरे मुस्लिम राजाओं को जिहाद का वास्ता देकर अपनी तरफ कर लिया, जिसमें अवध का नवाब शुजाउद्दौला भी अब्दाली के साथ मिल चुका था। यानी अब मराठों के खिलाफ अब्दाली, रोहिल्ला और अवध तीनों की सेना थी। दिल्ली जीतने के बाद
भाऊ ने आगे जाने का फैसला किया और आगे जाकर भाऊ ने बड़ी ही आसानी से अफगानों को हराकर कुंजपुरा के किले पर भी कब्जा कर लिया। वहां पर जो भी अफगान मिला उसे मौत के घाट उतार दिया गया। जब कुंजपुरा में हुए इस कत्लेआम की खबर अब्दाली को लगी तब वह गुस्से से तिलमिला गया और उसने बाढ़ आई हुई यमुना नदी को पार करने का फैसला किया और उसने यमुना नदी को पार भी कर लिया। यमुना नदी को पार करने के बाद उसने मराठा सेना का पीछा करना शुरू कर दिया और इस तरह से दोनों सेनाएं पानीपत के मैदान में एक दूसरे के आमने सामने आ गईं। लड़ाई शुरू होने से पहले अब्दाली ने कई मराठा सरदारों को जिहाद का वास्ता देकर अपनी तरफ करने की कोशिश की, पर इसमें वह पूरी तरह से असफल रहा। जब महीनों तक चली इस घेराबंदी का कोई नतीजा नहीं निकला तब 14 जनवरी 1761 को पानीपत की तीसरी लड़ाई करने का फैसला हुआ। लड़ाई की शुरुआत मराठों ने की और लगभग दोपहर के 2 बजे तक मराठा अफगानों पर भारी पड़ते रहे, पर मराठा सैनिक हफ्तों से भूखे होने के कारण और कम सेना होने के कारण अफगानों से जीत नहीं पाए। इस लड़ाई के बारे में यह भी कहा जाता है कि जब सदाशिवराव भाऊ को पेशवा का बेटा विश्वासराव कहीं दिखाई नहीं दिया तब भाऊ अपने हाथी से नीचे उतर आए उसको ढूंढने के लिए, लेकिन जब मराठा सेना को हाथी खाली नजर आया तब उन्हें लगा कि सदाशिवराव भाऊ की मृत्यु हो चुकी है, इसलिए सैनिकों ने अपना आत्मविश्वास खो दिया और युद्धभूमि से भागना शुरू कर दिया और इसी के कारण मराठा पानीपत की तीसरी लड़ाई हार गए। इस लड़ाई को लड़ते हुए सदाशिवराव भाऊ वीरगति को प्राप्त हो गए और इतिहास के पन्नों में वह अमर हो गए। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दो। धन्यवाद।